में पिछले महीने एक व्यापारी का अपहरण कर उसे छोड़ने के लिए फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पहली पूछताछ में सामने आया है कि महिला ने व्यापारी को कॉल कर अपने घर बुलाया था। उसके बाद उसके 2 साथियों ने उसके घर पर आकर व्यापारी को बंधक बना लिया और उसके साथ परिजनों से छोड़ने के लिए फिरौती मांगने लगे। रायपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 21 जुलाई को थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने रिपोर्ट में बताया कि उसके चाचा को किसी ने बंधक बना लिया था और उन्हें छोड़ने के लिए 5,00,000 फिरौती मांगी थी, जिसके बाद उसके चाचा को छोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चित्तौड़गढ़ के गुर्जरों की भागल निवासी कमला उर्फ लक्ष्मी पुत्री बालू भील, सेंथुरिया कराई निवासी रामगोपाल पुत्र नेहरू लाल प्रजापत व भीलों का खेड़ा निवासी शंकर लाल पुत्र श्याम लाल भील को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तीनों को बापरदा रखा है और इनसे व्यापारी के अपहरण की घटना के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की पहली पूछताछ में सामने आया है कि इन तीनों ने व्यापारी के अपहरण का प्लान बनाया था। इसके लिए इन्होंने कमला को ढाल बनाया था। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि व्यापारी के नंबर महिला के पास कैसे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।